हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका आज के अपने इस छोटे से ब्लॉग में। ज़्यादा बड़ी ब्लॉग नहीं होने वाली है। मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट मिला है रितिका की तरफ से। सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं जूडियो में शॉपिंग करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि ये बहुत ही सस्ता ब्रांड है। मेरे जैसे कम बजट वाले लोग यहाँ से शॉपिंग जरूर ही करते हैं। मैंने यहाँ से क्या क्या परचेस किया है वो एक अलग ब्लॉग में आएगा, तो देखिएगा जरूर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ तो सबसे पहले आप देख सके। बाहर निकलने के साथ ही मुझे मिले मेरे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर्स जो मुझसे मिलने से बहुत शर्मा रहे थे। देखो यार, अगर आप लोग मुझे बाहर में देखो ना तो फोटो लेने के लिए जरूर ही आ जाया करो, क्योंकि ये आप लोगों का हक है। आप लोगों ने ही मुझे लाइफ विद सृष्टि बनाया है ना। सबसे पहले थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैंने भी 3 कैमरे वाला फोन ले लिया है। ये मेरा ड्रीम फोन है जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ही ज्यादा। और हाँ, मैंने ना किडनी बेच ली है अपनी। किडनी बेचकर भी चेहरे पे कितना स्माइल है ना। हाय, तो जल्दी जल्दी मुझे अपना किडनी भेज दो। इस 2023 में मैंने अपना एक सपना पूरा कर दिया, बाकी आगे भी और सारे सपने हैं जिसको पूरा करना है। जैसे ही फोन मेरे हाथों में आया, दोस्तों ने बोला पार्टी चाहिए, तो हम पहुंच गए 1 प्लाजा मॉल के 7th फ्लोर पे। अब आप जल्दी से बता दो कि वहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट है। ये थोड़ा सा लजाते हैं क्योंकि इनको पिछली वीडियो में दलाल बोल दिए थे, लेकिन भाई ने हमें बहुत बढ़िया सा फोन दिया है। अभी देखो पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भाई। भाई खाली वीडियो में थैंक यू बोले हैं। बस ये नमस्ते लिखता है ना, वही देखने के लिए बहुत देर से रुके हुए थे। अब खाते हैं और चलते हैं घर के तरफ, और अब ओपन करेंगे ये क्यूट सा गिफ्ट। हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका आज के अपने इस छोटे से ब्लॉग में। ज्यादा बड़ी ब्लॉग नहीं होने वाली है। और मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट मिला है रितिका की तरफ से। थैंक यू सो मच रितिका इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। और जहां तक मुझे पता है इसमें है मेरे मम्मी और पापा जी का स्केच, मतलब उन्होंने अपने हाथों से बना करके मुझे दिया है। और इतना सारा प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। स्पेशली थैंक यू रितिका। और इतना प्यारा सा उन्होंने नोट लिखा है, फ्लावर्स पे चिपका करके दिया, और पैकेजिंग इसका इतना मस्त उन्होंने किया है कि मैं बता रही हूँ 2 दिन से ला करके इसको रखी हूँ। मैं इसको फाड़ना नहीं चाह रही हूँ कि यार इतना अच्छे पैक किया है उन्होंने, मैं फाड़ूंगी नहीं। फिर भी स्पेशल थैंक यू इसलिए उनको इतना बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरे सब कुछ का तस्वीर है। तो चलिए दिखाते हैं इसको। अभी तो फिलहाल ये आप लोगों को व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा। इतना प्यारा ये फोटो बना है, इतना प्यारा फोटो बना। पहले मैं इसका रियल फोटो आपको दिखा देती हूँ कि ये फोटो कौन सा बना है। एक मिनट बस, आप थोड़ा सा होल्ड कर लेना। ये जो फोटो है ये आप लोग इसको रियल में देख रहे हैं, और मैंने इसका स्केच बनवाया है। मैंने उनको ऑफर किया था कि क्या आप स्केच बना दोगे, और ये इनका जो आईडी है मैं इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दूंगी। आप लोग उनसे जो भी स्केच बनाना हो, जैसा भी बनाना हो, बनवा सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप बनवा सकते हो मनपसंद। मतलब हम लोग फोटो तो लगवाते हैं, ये वो एकदम कॉमन सी चीज़ है, लेकिन कोई हाथों से बनाकर देखता ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो मैं आपको अभी दिखाने वाली ये कैसा है बताओ जल्दी जल्दी। ये देखो कितना प्यारा सा फोटो है, और मैं इसको कल जाऊंगी फ्रेम करवाने के लिए, क्योंकि मैं इसको हमेशा अपने रूम में लगा करके रखूंगी एक याद के तौर पे, और एक ऐसा सोच करके कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच रितिका दिल से। एंड साथ ही साथ एक कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते इसको, कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, इग्नोर करना। मेरी फोटोज बनी है एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी, और मैंने ये फोटो भेजी नहीं थी, उन्होंने खुद से बनाया है। टंटना कैसा लगा, इतना सुंदर। मतलब मैंने कभी ऐसा इयररिंग नहीं पहना है, ऐसा ये नहीं पहना, उन्होंने कितना अच्छा से खुद से डिजाइन किया है। ये अच्छा लग रहा है ना, बहुत थैंक यू सो मच रितिका दिल से। आप लोग भी जा सकते हो, इनको टैग कर सकते हो। इनका आईडी है आर्ट वर्ल्ड ऑफ रितिका। मैं आईडी टैग करूंगी इंस्टाग्राम पे, आप लोग जरूर देखिएगा। और आप भी अगर बनवाना चाहेंगे तो उनको एक बार कांटेक्ट जरूरी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राम राम, कैसे हैं आप सभी। तो ये पहला शूट कर रहे हैं अपने 14 प्रो मैक्स से, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि मेरे पास भी हो गया ये। कभी सोचा नहीं था कि ले पाऊंगी या कुछ भी। अभी निकले हैं हम खाना लेने के लिए, और रोहित भाई को भी हमने बोला है कि चलते हैं थोड़ा सा खाना लेने, हेल्प कर दीजिए, क्योंकि स्कूटी में तेल लेना भूल गए थे हम, और कभी भी बंद हो जाएगा कहीं भी, तो रिक्स नहीं लेना चाहते हैं हम।
तो भाई से बोले कि थोड़ा सा छोड़ दीजिए या फिर चलिए खा लेते हैं या फिर लेते आएंगे, जैसा भी होगा। और आज की सुबह बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छा। क्या कहना चाहेंगे भाई? बहुत अद्भुत। अद्भुत ना, मतलब इतना प्यारा, चेहरे पे लाइट आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। मैं छत पे जाके बैठ के खाना खाएंगे आराम से। मौसम है सुहाना। और हाँ, मौसम बहुत सुहाना है, नो डाउट। तो अभी हम जहाँ से खाना लेते हैं 7/11 होटल ढाबा, वहाँ आज बंद था तो हम पहुँच गए थी भैया के पास और यहाँ से लेंगे खाना। और ये पता नहीं इंद्रपुरी है, कौन सा जगह है नहीं पता। ये देखो, ये होटल का नाम है और ये जगह है, पता नहीं कौन सी जगह है। कौन सा जगह है भाई? ये है राजीव नगर, सियाना मेन रोड। अच्छा, राजीव नगर नाला पे। चलिए लेते हैं खाना। भैया दाल भात भुजिया पैक करवा दीजिए, चार गो। मैंने चार गो मतलब कि दो गो अभी खाएंगे और दो गो रात में खाएंगे। अब देखिए खाना तो ले, लिया है लेकिन स्टॉक कैसे छोड़ सकते हैं, ये भी तो साथ में आता है, इसलिए भर लिया। भैया कोई बात नहीं ना, क्योंकि हमको बहुत पसंद है स्टॉक चलाना। खाना पैक करा लिया हमने, अब निकलेंगे घर के लिए। तभी विशाल का कॉल आया कि उसका तबीयत खराब हो गया है, तो हम जा रहे हैं अभी मेडिकल शॉप पे उसके लिए दवाई लेने के लिए। दवाई देख के लग ही गया होगा कि उसको क्या हुआ है। एक बार में 50 को गोलगप्पा खाएगा तो ये ना होगा, कम खाया कर भाई। तो यहाँ पे पार्टनर उर्फ आप सबकी न चिपटी धनिया को चीरहरण कर रही है, धनिया का, और तैयारी कर रही है। क्या तुम भी अपने एक्स को ऐसे कूटती हो लहसुन के जैसे? हाँ, एक्स समझ के तो नहीं कूट दिया, फिर इसमें ये सब जाएगा, फिर हमको धोना है बर्तन। गाइज, सबसे मेन काम मेरे को मिला है, कोई बात नहीं। मेरा पानी भी गर्म हो रहा है इधर, और मेरे को नहाना है। और मेरे अपने बालों में कम से कम 10 चोटियाँ की हुई है ऐसे, थोड़ा सा बाल ऐसे करने के लिए। समझ आ गया होगा आई होप। ये देखो अभी बना रहे हैं चाय, और हमारे यहाँ चपत्ती खत्म हो गई बाबा। चाय लभर है, सुबह उठने के बाद सबसे पहले चाय चाहिए। नहीं, गिरना मत, गिरना मत। कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं? देखो, हम घर पे भी सौंफ रखते हैं, सिर्फ रेस्टोरेंट से ही नहीं चुराते हैं, क्योंकि हमको बहुत पसंद है सौंफ खाना, खाना खाने के बाद। हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया है, प्याज, धनिया, नींबू, ये लहसुन, अदरक, ये मिर्ची, और जाएगा घर का बना हुआ अचार, और फिर इसमें सत्तू बनेगा मसाला मस्त इसका। और ये क्या? अजवाइन, अजवाइन है, दिखाओ, अजवाइन ही है। तो मंगरेल भी डाल देना थोड़ा। नहीं मिला वो, है ना, वैसा ही कोई डब्बा होगा मंगरेल के लिए, इधर से उसमें है, नहीं है, एक और छोटा सा डिब्बा होगा, हम खोज देते हैं। और अभी चाय लेकर के हम ऊपर आ गए हैं, और मैं अपनी चोटियों को खोल रही हूँ। अब इतना स्ट्रेट हेयर को करवा दिया है ना कि मतलब बाल कर्ली नहीं हो रहे, इतना देर रखा फिर भी। तो चलो चाय पीते हैं। और इतना प्यारा और ठंडा मौसम हुआ है आज का, अगर आप मेरी ब्लॉग आज देख रहे हो तो आज अब ठंडा को फील जरूर ही कर रहे होंगे। बचपन की याद आ गई, पूरा बचपन में ऐसे ही दादी दो चोटी आगे की तरफ बना के अन्नीपो रबड़ मिलत रहे, ओकरे के दादी का क्रस लगा दे सागवा में, खूब बढ़िया मजा आ जाए। और भाई ठंडा बहुत ही सातवें आसमान पे है, और बहुत ही तेज हवा चल रहा है, तो आप जब भी घर से बाहर निकले तो फुल प्रोटेक्शन, फुल सब कुछ पहन करके निकले, अच्छे से एकदम गर्म कपड़ा। देखो बगल वाले घर पे ना कितना छोटे छोटे बच्चों का पैंट वेंट सुखाया जा रहा है, एकदम क्यूट लगता है यार, छोटे छोटे बच्चों का कपड़ा है ना, क्यूट लगता है ना। हाँ, इतना मच्छर वाला अगरबत्ती जला दे बनी दिखता, बाप रे। आलू में खोसत रह, तो आलू ढेर लोड ना लेते रहे तो भसक जाते रहे, तो हेने छिदुआ में खोसले रह, बाप रे बाप, इतना मच्छर बाड़े सन पटना में, ये का कहल जाओ। चलो अब झाड़ू लगावल जाओ। ये नीचे गिरा, ये। हाय गाइस,
तो हम एकदम गांव की लड़की लग रहे हैं, गांव की ही है, इसमें लगना क्या है। तो आज मन किया था सत्तू पराठा बनाने का, ना सतोई वाला रोटी बनाए के मन के लग लो। तो वर्षा एक मसाला तैयार कर ली है, वो आगे दिखिए गई हुई, और हम बनाओ तनी कैसे कैसे रोटी गोलना होला, तो हम कर ले बनी रोटी। गोल होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। सॉफ्ट नहीं होता है। और हम इसमें लगा रहे हैं घर का एकदम देसी घी, जो एकदम इतना सुंदर महक रहा है कि क्या बताएं। मम्मी देखे ली कोनो वीडियो बनाए नहीं तो कहे ली कि बनावत हुए देखाओ, केहू बना दे तो एक नाम ले लेते हुए कि हम ही बनैनी है, लेकिन हम ही बनाते हैं गाइज, हमको आ जाता है सब खाना बनाने। फिर इसके साथ बनेगा या तो चोखा या फिर भुजिया, भुजिया बनेगा। हम तो सत्तू वाला रोटी ऐसे ही बनाते हैं। आपकी कोई अगर नई रेसिपी हो तो मुझे कमेंट में जरूरी बताइएगा। और हाँ, इस पे जितने भी लोग कमेंट्स करेंगे उन सबका रिप्लाई मैं करूंगी। ये वाला रोटी बेलाता नहीं है जल्दी, इसमें ज्यादा भर दिए हैं। कोई बात नहीं गाइज, फटा हुआ भी खाना चाहिए। गाइज कैमरा खोलते ही बिगड़ गया। कोई लिटिया बहुत बोलता है जी, एकदम इसका दोनों ठोड़वा पकड़ के एकदम कस के रगड़ दीजिए, था डेंग 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 बहुत बोल रहा था। देखो मैं कहाँ बैठकर एडिट कर रही हूँ, इतना ठंडा लग रहा है, बाहर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है इधर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, इसके तरफ से भी आ रहा है तो पता चल रहा है। मैंने सॉक्स भी नहीं पहना है पैरों में, और मैं मस्त यहाँ पे बैठ के शांति से एडिट कर रही हूँ, क्योंकि नीचे में वर्षा भी अपना काम कर रही है और हम भी अपना काम कर रहे हैं, और काम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम वॉइस ओवर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगल बगल किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही डेली लाइफ की ब्लॉग्स के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और हाँ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहला लाइक आपका हो। साथ ही साथ इस वीडियोज पे जो भी कमेंट्स करेंगे उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं करूंगी, पर्सनली करूंगी सबका कमेंट्स। और थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। लव यू ऑल, बाय।